हेलो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि तीन चार रेड कैंडल्स बनने के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स बन जाती है और आप वो दो ग्रीन कैंडल्स देख के आप स्टॉक को बाय कर लेते हो। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि जब भी स्टॉक नीचे गिरते रहता है और उसके बाद में एक दो ग्रीन कैंडल्स अगर आपको मिल जाए तो आप वहां पे लॉन्ग कर देते हो, और लॉन्ग जैसे ही आप करते हो आपका स्टॉक जो है वो नीचे स्पीड में नीचे गिरने लग जाता है। अगर ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ में होता है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। स्टॉक मार्केट में लोग किस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां करके बड़ा लॉस कर देते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ये जो कल चल रहा है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि हमें ये लगता है कि एक या दो ग्रीन कैंडल अगर हमारे पास में बन गई तो हमें ये लगता है कि यहाँ से इसका जो स्टॉक का जो ट्रेंड है ये अप हो गया। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो एरो बना के रखा हुआ है, तो ये जो दो एरो आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे जैसे आपको जब भी कोई बड़ी कैंडल्स ऐसे कोई भी 5-6 ऐसे कैंडल्स अगर आपको रेड कैंडल्स अगर कंटिन्यू ऐसे बनते हुए अगर आपको दिखती है और उसके बाद में एक या दो या तीन ग्रीन कैंडल्स अगर आपको बनते हुए दिखती है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे बाय नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको स्टॉक को शॉर्ट करना है, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा स्टॉक मार्केट में, उसे कहते हैं सेल ऑन बाउंस। तो ये जो है, ये जो पैटर्न है ये सेल ऑन बाउंस का पैटर्न है। तो यहाँ पे जब भी इसके बाद में जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में अगर आपको कंटिन्यू मिनिमम 5 अगर आपको रेड कैंडल्स अगर दिखती है और उसके बाद में अगर कोई एक या दो ग्रीन कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये कैंडल ने पिछले इस कैंडल का जो है क्या लो हाई ब्रेक किया हुआ है। अब उसके अगले कैंडल ने इसका क्या किया है, हाई ये ब्रेक किया हुआ है। तो ये कैंडल के हाई जब ब्रेक होता है तो उसके बाद ये कैंडल पे आप इसे डेफिनेटली इसको शॉर्ट कीजिए और आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा 1:5 रहेगा। जैसे अगर सपोज आपने यहाँ पे अगर इसे शॉर्ट किया है तो अगर आपने 0.5% का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपका टारगेट एरिया जो रहेगा वो 2.5% का टारगेट एरिया रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट किया 0.5% का, अगर मैं स्टॉप लॉस भी लेता हूँ, नॉर्मली इस टेक्निक में 0.5% का भी स्टॉप लॉस रहता नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे जो है वो सेल ऑन बाउंस कर रहे हो। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो इस टाइप के पैटर्न से आप जिंदगी भर आप रेगुलर पैसा कमा सकते हो, इसे हम कहेंगे सेल ऑन बाउंस। और दोस्तों ये जो पैटर्न है ये WD ज्ञान का C1 C2 पैटर्न है। मैं ये WD ज्ञान का कैंडल टू कैंडल स्टडी कुछ ही दिनों के बाद में YouTube पे लॉन्च कर दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं कुछ और अच्छे वीडियोस यहाँ पे डालने वाला हूँ। स्पेशली ज्ञान स्टडी का वीडियो जो कि मैं करीब करीब 4-5 घंटे का वीडियो रहेगा तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उसी में से ये जो पैटर्न आपने जो देखे, ये जो पैटर्न है ये उसी का पैटर्न है। इसे हम कहते हैं C2, सेल ऑन बाउंस। थैंक यू दोस्तों, बाय।